बेजियो ने ट्रैक्टर के साथ बेजियो की पप्पे कुटने। मैं चाहत फतेह अली खान लाखों लड़कियों की जान ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। सबसे पहले बेजियो हेडलाइंस। हरीम शाह की मुनीब भाई को दी हुई धमकी काम कर गई। एक साल से पेंडिंग एनुअल डिनर आखिरकार आज हो रहा है। हरीम शाह ने ट्वीट किया कि स्टूडेंट के एग्जाम एंड होने तक अगर एनुअल डिनर का हतमी फैसला ना किया गया तो समर वेकेशन के आगाज में आपकी वीडियो बहाल करने का फैसला कर दूंगी। अदील भाई का कहना है लड़कियों को तो लड़कियों की ही नजर लगती है, लड़के तो देखते ही माशाल्लाह बोल देते हैं। जहां हर सीनियर आज के दिन आप जीता है, वहीं एमन आपी ईशा आपी को शादी के मशवरे दे रही है। कहने लगी हर लड़की का ख्वाब है शोहर अपना वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, जब सास से फाइट हो तो कहे बेगम आप राइट हो। मौसम को लोग भाई कहते हैं पर भाई भाई पर भाई को कोई परवाह नहीं, एक बार दिल लगा कर देखो भाई बेवफा नहीं। बीजेडीयू के हर डिपार्टमेंट में मुंह मारने के बावजूद किसी लड़की का मुंह ना लगाने पर सिक्स सेमेस्टर के सीआर अहमद का खुदकुशी करने की कोशिश। तफ्तीशनाक हालत में निस्तर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया ने शक्ल देखकर दाखिले से इनकार कर दिया। मुबशिर भाई वो है जिनकी जिंदगी ने जितनी मर्जी बैंड बजा रखी हो मगर फिर भी रस्ते में पड़े जूस के डब्बे का पटाखा मारना नहीं भूलते। जराए के मुताबिक कुछ सीनियर सिक्स सेमेस्टर के अपनी जूनियर बहनों के हॉस्टल के सामने रोते हुए पाए गए। माइक्रो नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए फर्नाइल के गोली और जूस का खानी है। बिलाल भाई ने एक मासूम माना सवाल रख लिया। कहने लगे कि अगर एक लड़की के पढ़ने से तलीम याफ्ता एक पूरा घर तलीम याफ्ता हो जाता है, लेकिन उसी लड़की के क्लास लेने की वजह से 10 स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं। कभी साबुन के इश्तिहार में हम लड़कों को भी शामिल कर लिया करें, हम नहाते नहीं है कि हम पर लड़कियां मरती नहीं है। मुनीब भाई बयान देते हुए आप दीदा हो गए। हमारे सीनियर इतने अच्छे हैं कि उनके आने पर हम एहतराम खड़े हो जाते हैं, हद तक हम क्लास छोड़ देते हैं। जी आज सादिया का जिशान के लिए अहम पैगाम। हर क्लास का एक सीआर होता है, जिंदगी से वो बेजार होता है, लड़कों के साथ बस ठीक होता है पर लड़कियों पर तो जान निसार होता है। हम दर्द लड़कों का सिर्फ बातों में, आदतों से तो जीआर होता है। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह और आखिर में हालात कर देती हैं फकीर की तरह। सीनियर्स का अपने जूनियर्स के नाम अहम पैगाम। तो दूर की बात, मेरे ऊपर तो किसी को तर्स भी नहीं आया। अलीबा इमन अभी को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए रो पड़ी। साल तो हर साल बदलता है, मजा तो तब आए जब माइक्रो डिपार्टमेंट के हालात भी बदले। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन का रूम लैब और पंखे की हालत देखकर इज्तिमाई मौकफ। साकिब ने कहा रिश्ता कराने वाली आंटी से कि आंटी जी मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी ने जवाबन कहा बेटा तुझे कोई बेटी दे दे वही बड़ी बात है। हालात तो सुधर जाएंगे लेकिन काफी लोग इससे उतर जाएंगे। बिलाल भाई का अपनी एक्स के नाम अहम पैगाम। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। लेकिन नहीं, मैं अपने जूनियर्स के नाम एक शेयर करना चाहता हूँ। एक शेर सुनिएगा, कहते हैं बात ना समझाया करो हर कोई बच्चा नहीं होता, मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मेरे बाबू ने खाना खाया है, ये वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। कि पहला प्यार होता फिर